प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। सरकारी राजस्व वसूलने गई राजस्व और ग्रामीण आर्यव्रत की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। सरकारी कर्मियों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। पथराव में नायब तहसीलदार करावली की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया है तथा बैंक कर्मियों को पकड़कर मारपीट भी की गई है। पादल में क्या घटना हुई है आपकी टीम के साथ? अभी आर्यव्रत बैंक की जो लीगल एडवाइजर है उन्होंने आपको बताया, जैसे उन्होंने बताया था ऐसा ही हुआ था। हम लोग पहुंचे थे, कई दिनों से ये फोन नहीं उठा रहे थे और हम लोगों ने इनके ऊपर किसी को हमारे जो अमीन है उनको लगा रखा था कि जैसे ये दिखे तो हमें सूचना दे दें। हमारे पास सूचना मिली कि आज ये घर पर ही मौजूद हैं, कई दिनों से मिल नहीं रहे थे। तो जब हम पहुंचे वहां पर तो जैसे ही हमने गेट खोल के इन्होंने गेट खोला तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करी, तो हमारे जो होमगार्ड्स थे उन्होंने थोड़ा बलपूर्वक दरवाजे को कैसे भी करके खोला। जैसे ही खोला तो इनके लड़के आ गए और उन्होंने आसपास आवाज़ देने लगा शुरू कर दी सबको इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था तो वहाँ से लोग ईंट छोटे छोटे टुकड़े लेकर के ऊपर चढ़ गए और पथराव किया, तो हमारी गाड़ी का जो पीछे का जो शीशा है वो उन्होंने पूरा फोड़ दिया है और भी गाड़ी में कई डेंट आए हुए हैं। तो सर सुनने में ये आ रहा है कि जो टीम गई थी पहले उन्होंने वहाँ जाके बदतमीजी करने की कोशिश की है और गेट वेट तोड़ा है। आप जाके देख लीजिए गेट किसी प्रकार से हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमने जैसे ही गेट खोला था तो उसने गेट खोला भी था लेकिन जैसे हमको देखा टीम को देखा तो उसने बंद करने की कोशिश करी तो हमारे जो गार्ड थे उन्होंने उसको खुलवा दिया। सर आमतौर पर देखा जाता है कि फाइनल रिकवरी के लिए जाते हैं तो पुलिस फोर्स के साथ ही जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा है, हम कई दिनों से हमारे पास सूचना थी मिल नहीं रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। तो हम वहाँ पर पहुँचे थे तो हम सिर्फ उनसे ये हम दो रिकवरी में गए थे, एक यहीं अर्धाया गांव में थी तो वहाँ हमको हमने बता दिया तो वो उन्होंने कहा कि सर हम तहसील में आ जाएंगे। इनसे भी हमने यही कहा था कि हमारे साथ तहसील में चलो लेकिन वो चलने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने क्या किया कि उनके लड़के ने आसपास के मोहल्ले को इकट्ठा कर दिया और फिर पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी। तो कितना नुकसान हुआ है इस दौरान? पत्थरबाजी गाड़ी में नुकसान हुआ है, बाकी जो बैंक की रिकवरी टीम थी उनको भी चोटें आई हैं। टीम के किसी सदस्य के साथ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है? हाथापाई हमारे जो बैंक की रिकवरी टीम थी उनके साथ हुई है, हमको थोड़ा घुटने में चोट भी आई है। आपके साथ? हमारे साथ किसी भी तरीके की नहीं हुई, हमने उसको पकड़ा था, हमारे गार्ड्स थे उन्होंने उनको पकड़ लिया था लेकिन वो जब जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई तो भाग गया। नहीं, हमारे पास सूचना है कि आपको पुलिस बल गया, घर में कोई नहीं मिला, पूरा घर खाली था, बाहर अंदर से लॉक करके चले गए। हमको सर आपके साथ भी बदतमीजी की गई है? आप पीछे से आवाज़ आई थी तो मैंने ये तो उसको सुना था कि वो अपना पर्सनल जो वेपन है कि उसको निकालो, हाँ लाइसेंसी जो वेपन है उसको निकालने के लिए उसने आवाज़ लगाई थी अंदर से। हाँ तो आवाज़ पीछे से आई थी, एग्जैक्टली वो गोली की आवाज़ थी, किस चीज़ की आवाज़ थी मैंने वो मेरे सामने वो नहीं हुई है। हाँ लेकिन उसने मेरे सामने ये बोला था कि पर्सनल वेपन को निकालने के लिए आवाज़ दी थी। पर्सनल आपके साथ भी हाथापाई हुई है? मेरे साथ कोई हाथापाई नहीं। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अब इसमें यह है कि हमने अभी बैंक की रिकवरी टीम है जिनके साथ बदतमीजी हुई है वो अभी तहरीर देंगे और आगे कानूनी कार्रवाई जो भी होगा अप्रोप्रिएट की जाएगी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार मुद्गल, नायब तहसीलदार करावली। वहाँ से सब लोग अपना बीच बचाव करके वहाँ से आने की कोशिश करी और उन लोगों ने बिल्कुल सबके ऊपर पत्थरबाजी करी और एक एक को पकड़ के उन्होंने मारना शुरू कर दिया था और साथ में जैसे ही चिल्लाए तो लोग घरों की छतों पर इकट्ठे हो गए और वहाँ से आके सब लोग मारने के लिए हमारी गाड़ी पर पथराव किया। हम लोग जैसे तैसे चलती गाड़ी में से भाग के अपनी जान बचा के वहाँ से निकले हैं और ऐसे लोगों को इन लोगों को जरूर से जरूर जो है कानून, हम ये चाहते हैं कि उनको सजा मिले ताकि ऐसे लोग जो पब्लिक मनी को डिफॉल्ट जो किस्म के लोग होते हैं उनकी वजह से हमारे पब्लिक मनी का हानि होती है, पब्लिक धन को नुकसान पहुँचाते हैं जो लोग डिफॉल्ट की नीयत से लोन लेते हैं और दूसरे लोगों को भी इसी तरीका संदेश पहुँचाते हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर इस तरीके की चीज़ें फैली हुई हैं। और हम ये चाहते हैं सर कि इन लोगों को उचित सजा मिले ताकि सब लोगों के बीच में एक ये एग्जाम्पल सेट हो और हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, साथ में हमारा बीच बचाव किया और हम सही सलामत तीन चार लोगों को हमारे चोट भी लगी है, मेरे को भी धक्का लगा है, मैं प्रेगनेंसी में थी लेकिन फिर भी हम वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब शांति बनाए रखें लेकिन फिर भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। वहाँ की लेडीज ने भी हमारे ऊपर पथराव करना शुरू किया। कितना लोन था और किस योजना के अंतर्गत ये लोन? सर ये उनकी केसीसी का लोन चल रहा था और इनके जमीन की पहले कुर्की भी हो चुकी थी। कितना लोन है, अमाउंट कितना? इनका लोन है सर 25 लाख के करीब लोन था लेकिन अब बढ़ के वो 40 लाख के करीब हो चुका। कब हुआ था?
इसमें कुर्कित हुए कम से कम 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई इनका प्रेशर नहीं था। ये रोज हमें बहानेबाजी बना के टाल देते थे। जिन्होंने लोन कराया उनका क्या नाम है और कितना बीघा जमीन पे हुआ था? शाहिद परवेज है और उनके परिवार में कुछ लोग हैं, डिप्टी खान उनका भाई है शायद, और उनका एक बेटा है बच्ची करके, उसने सारे वहाँ पे पूरा लोगों को इकट्ठा किया है। पूरे गली के लोग इकट्ठे होके सबने पत्थरबाजी करी है और बहुत ज्यादा, अगर वहाँ पे टाइम से अगर पुलिस फोर्स नहीं पहुँचती तो जान माल की हानि होती। कितने बीघे जमीन पे लोन हुआ है लगभग? सर ये एग्जैक्ट मेरे को उसका देखना पड़ेगा, डेटा मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं लॉ मैनेजर हूँ, मैं बाहर से आई थी और ये रिकवरी के लिए हमें भेजा जाता है वहाँ से। अब यहाँ से आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सर इससे आगे हमारा, हम बिल्कुल शांति के साथ अपना पैसा वसूल करने के लिए उनसे मिलने के लिए आए थे, बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बातचीत करने की बजाय हमारे ऊपर जो है पत्थरबाजी करना शुरू किया, तो वो मामला बिगड़ गया वहाँ पे। वहाँ पे सर उन्होंने अपने पर्सनल जो निजी लाइसेंस के हथियार जो उनके थे वो निकालने के लिए उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई और वहाँ से वो शायद उन्होंने निकाला भी और वहाँ चलने की आवाज़ भी थी, क्योंकि हम लोग अपना पत्थरबाजी होने की वजह से मैं गाड़ी में जाके बैठ गई थी, बाकी सब लोग वहीं पे थे और उसके बाद सब लोग भागे हैं सर वहाँ से। कितने लोग होंगे उस घटना में तकरीबन? वहाँ पे तो सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा था सर, छतों पे सब लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे चबूतरे वगैरह सब लोग, पूरी गली भरी हुई थी सर। हमारे ऊपर इतनी पत्थरबाजी हुई है कि अगर कोई रस्ते में कोई व्हीकल होता तो वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ से मतलब जिंदा नहीं आता, बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे उस टाइम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं लॉ मैनेजर हूँ यहाँ पे, आगरा क्षेत्र देखती हूँ।